हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया नाइन्थ क्लास का, उसका नाइन्थ चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले मैं एक चैप्टर आपको एट कंप्लीट करा चुका हूँ मोशन, और आज इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके एग्जांपल्स और इंटरेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जैसे ही सारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा इसके पांचों चैप्टर, मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा दूंगा इन सारे चैप्टर्स की। तो आज देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो फटाफट आपको मैं याद दिला देता हूं कि लीनियर मोमेंटम क्या है। तो ये एम मास है और वी वेलोसिटी जा रहा है, तो कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने किया है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, सेकंड लॉ भी पढ़ा है इससे रिलेटेड, है ना। तो क्या होता है कि एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम पी क्या होता है, एम इंटू वी। तो ये तो मैंने आपको कह दिया। अब हमारे फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी के कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे अभी हम इसको प्रूव करेंगे, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊंगा फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन को डिस्कस करेंगे, टक्कर को आपस में, तो हम क्या देखेंगे, जितना उस कोलिजन से पहले लीनियर मोमेंटम है टोटल, उतना का उतना टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद रहता है। तो हम देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे इसको, क्या है देखिए। तो कंजर्वेशन का मतलब अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नए वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। लीनियर मोमेंटम तो मैंने याद दिलाया फटाफट आपको, फिर कंजर्वेशन बताया कि कैसे कोई क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है, कि वो अभी हम आज इस वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। फिर क्या स्टेटमेंट है देखिए इसका, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो। तो एक नया वर्ड आपके सामने हो रहा है सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है देखिए, सिस्टम का मतलब है ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। इसका मतलब आप सब समझते हैं ना, कि सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक से ज्यादा भी। तो जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं उसी को सिस्टम कहते हैं। जैसे यहां हम देखेंगे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होंगे, तो हम उन दोनों को ही क्या कहेंगे, सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर क्या है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे पर लगाएंगे, जब कोलिजन करेंगे एक दूसरे पर लगाएंगे, उन फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। वो लग सकते हैं, इंटरनली फोर्स लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए उन दोनों के ऊपर। यानी एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। फिर एक बात ध्यान से देना, भी आपको पता चलेगा दो ऑब्जेक्ट कोलिजन करेंगे तो दोनों का चेंज होगा, आपस में कम ज्यादा होगा, लेकिन टोटल जो दोनों का पहले है उतना ही टोटल बाद में रहेगा। जैसे आपकी एक जेब में कुछ रुपए हैं, दूसरी में कुछ रुपए हैं, आप आपस में एक जेब से दूसरी जेब में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उन रुपयों का जो टोटल है वो क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट। ऐसा कुछ हमारा यहाँ मतलब है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है देखिए हमारे, किस किस तरह से ले रहा हूं मैं, देखिए ये तो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, इसको मिटा रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, और ये अभी रखता हूं क्योंकि इसको काम में लेंगे हम। तो क्या है देखिए, थोड़ा इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, क्या है देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है एम ए, कि ए नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, मास है एम ए, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, यू ए। इसी तरह से जो दूसरा है उसका नाम दे देते हैं बी, मास है उसका एम बी, और इसके लिए है ही यू बी। ये आप ध्यान रखिए कि यू ए की वैल्यू यू बी से क्या होनी चाहिए, जब तभी तो कोलिजन होगी ना यार। और ये जब मैंने आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स बताया था तब भी बताया था, फोर्स के लिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखिए आप हमेशा, जितना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए लाइन सेगमेंट उतना ही लार्जर हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए लाइन सेगमेंट लार्जर बनाया ना, इसके लिए स्मॉलर बनाया, क्योंकि वेलोसिटी है ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यू ए इज ग्रेटर देन यू बी तभी ये कोलिजन होगी, ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की। अब देखिए देखो कोलिजन के बाद क्या हो जाती है, एक डायग्राम आप और बना सकते हैं जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टिक हो रखे हैं, कोलिजन होगी तब स्टिक तो होंगे एक मोमेंट के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या है ये एम ए, ये ए, अब इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वी ए हो जाती है, और जो दूसरा है उसकी क्या हो जाती है, मास सेम रहेंगे, उसकी कितनी हो जाती है वी बी। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइन सेगमेंट है वो लार्जर हो जाएगा, किसका भी हो, पहले ये था लार्जर तभी तो कोलिजन हो पाई,
उसके बाद क्या है, उसके बाद उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि फिर भी यही ज्यादा रह जाएगा तो कोलिजन बार बार होती रहेगी, तो बाद में क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो अभी आप भले ज्यादा कम मत सोचिए, आप सिंपल इतना ध्यान रखिए, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है और ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है। हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहां पर प्रूफ कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, आपस में दोनों कोलिजन कर रहे हैं, बाहर से कोई भी उनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, एक दूसरे पर ही फोर्स लगा रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। उससे कोई फर्क, वो लग सकता है या लगेगा वो, तो उससे कोई फर्क हमारा मोमेंटम के ऊपर नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होता है। तो क्या बताया कि एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो है किसी सिस्टम के ऊपर तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये आप मुझे बताइए, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, याद रखिए एक बार, अभी लिखना नहीं, लिखने वाली चीज नहीं, आपको ये प्रूव करना है एक तरह से, टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है, पी ए प्लस पी बी, ये कौन सा है, बिफोर कोलिजन, और पी ए डैश प्लस पी बी डैश आफ्टर कोलिजन। लेकिन मैं ऐसे डैश ये नहीं लिखूंगा, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा, मैं क्या लिख दूंगा इसको, पी ए कितना बनेगा बताइए, मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, ये इनिशियल का टोटल हुआ है नहीं होता ही? अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि ये चीज आपको दिमाग में रहे कि प्रूव करनी है, ये टोटल इनिशियल हुआ या नहीं होता, ये मास ऑफ ए को वेलोसिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ बी को वेलोसिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो दोनों का मोमेंटम निकाल दिया और टोटल कर दिया। इसी तरह से फाइनल क्या होगा, एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। तो ये समझाने के लिए लिखी थी मैंने, आप इसे कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा इसी को याद करिए कि टोटल जो इनिशियल है वो टोटल फाइनल के इक्वल आना चाहिए। ये चीज हमें क्या कर, अभी आपको नहीं लिखना है, दिमाग में आपको रहे कि ये हमें प्रूव करना है, तो ये भी मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आप सिचुएशन अच्छे से याद रखना कि ये हमें प्रूव करना है बस। तो अब इसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए तो क्या है, देखिए इसके अंदर किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं, देखिए इसके लिए तो क्या लिखता हूं मैं, देखिए यहां से फोर बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों लॉ हमने पढ़ लिए, अच्छे से आप उनको कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी और इसमें तीनों लॉज पढ़े हैं। तो बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑन ए बाई बी, थर्ड लॉ में नोटेशन भी मैंने आपको समझाए थे, क्या बनेगा देखिए, फोर्स ऑन ए बाई बी, इसका नोटेशन ऐसे बना है, थर्ड लॉ में मैंने समझा था, वो वीडियो आप देखे नहीं देखा था आपने। और क्या होता है याद कीजिए, देखो फोर्स, ये सेकंड लॉ आपको याद रहा, फोर्स क्या होता है उसमें, एम बी माइनस यू अपॉन टी, यहां मैं जो लिख रहा हूं साइड में वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है ये लो, एम वी माइनस यू अपॉन टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और ये मास। तो इसमें भी यही लिखे, एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा लिखे m v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए, देखो आप फोर्स ऑन a बाई बी किस पर लग रहा है, ये वाला फोर्स जो लिखा है मैंने, फोर्स ऑन a, a पर लग रहा है ना, तो इसका मतलब a की तो फाइनल वेलोसिटी लेनी है, a की ही इनिशियल लेनी है, और a का ही क्या लेना है, मास। टाइम में कोई a भी होता नहीं है, तो टी तो टी रहे। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, देखो क्या मैंने बताया है, एक नया आपके लिए कंसेप्ट है, और एट क्लास और नाइन्थ क्लास में काफी गैप है, वहां इसे इक्वेशन बनाना और ये सब नहीं था, तो कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि देखिए दिक्कत तब आना शुरू होती है, पहले वाले मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा होगा सेकंड लो, या थर्ड लो नहीं पढ़ा होगा, कैसे नोटेशन है, तो आपको दिक्कत आएगी, वरना कोई भी दिक्कत आपको फिजिक्स में नहीं आएगी, साथ साथ पढ़ेंगे तो आप। तो ये क्यों लिखे ये ए के, क्योंकि फोर्स ऑन ए लग रहा है, तो इसका मतलब आप सारी चीजें ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। इसी तरह से क्या करेंगे, देखिए आप सिमिलरली आप क्या करेंगे, फोर्स ऑन बी बाई ए, अब बी के ऊपर क्या नोटेशन, वही उसी तरह से एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाई ए, वही एम क्या करेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी, या किसके लिए करेंगे, बी के लिए, बी का ही तो मास, बी की फाइनल वेलोसिटी, बी की इनिशियल वेलोसिटी, या एक इक्वेशन नंबर टू।
तो ये चीजें ध्यान रखना, ये सेकंड लो मैंने आपको बताया, मिटा देता हूं मैं इसको, क्योंकि सारी चीजें लिखी रहती है कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, इसको हमने यूज कर ही लिया है। ये याद रखना क्या लिखा है, ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि हमें शो करना है कि जितना टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम है उतना ही टोटल फाइनल रहेगा। U और V क्यों माने याद रखना, U इनिशियल वाला वेलोसिटी के लिए मानते हैं तो मैंने माने, और V फाइनल के लिए मानते हैं तो माने। अब देखिए क्या करेंगे, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, फिर आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, तो क्या होता है उसे, एफ ए बी माइनस एफ बी ए, मैंने आपको बताया था कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन होगा तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। सारा मैं समझा चुका हूं, मैथमेटिकल फोर्स फॉर्म आप यहां से देख लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है फोर्स की, कि जो ए बी के ऊपर लगाएगा बी भी ए के ऊपर उतना ही लगाएगा, और माइनस साइन वहां लिखा था, क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों फोर्सेज है दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो इन्हें बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लिखा हुआ मिटा रहा हूं, क्योंकि आप लिख चुके हैं पहले अपने नोटबुक में। अब देखिए ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वैल्यू एफ ए बी की यहां से, एफ बी ए की यहां से, और ये चीज लानी है याद रखना। तो क्या करेंगे देखिए, अब आप यहां से, अब हम यहां से करते हैं बाई इक्वेशंस वन टू एंड थ्री, एफ ए बी की ये वैल्यू रख दीजिए, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू, ये रख दीजिए माइनस पहले से है, एफ बी ए की वैल्यू रख दीजिए एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें लाना है याद रखना। तो क्या आएगा देखिए, ये भी मैं मिटा रहा हूं यहां से, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, तो कितना आएगा देखिए आप यहां से, ये आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, इसी तरह से ये क्या आएगा माइनस एम बी वी बी, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम बी यू बी। ये देखिए देखो आप, हमने सिंपल क्या किया, फिर ये एक बार देख लीजिए, थर्ड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट कर दी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगी, उसमें ए और बी कुछ है नहीं, और एम ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस एम बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा फॉर्मेट हमें बनाना है, यह आप याद रखेंगे। तो एक बार के लिए आप क्या लिख सकते हैं देखिए, एम ए वी ए, इधर बी वालों को एक साथ, ये वाली चीज इसको मैं इधर ला रहा हूं, तो प्लस एम बी वी बी, ये देखो इसका भी काम हो गया। अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूं एम ए यू ए, ऐसे अरेंज करना है ना, इसका भी काम हो गया। देखिए इसको एज इट इज लिखा, इसको मैं इधर ले आया तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले गया और क्या रहेगा एम बी यू बी, और फिर आप क्या ले सकते हो सिंपल, जैसे एक्स इजिकल टू वाई हो तो वाई इजिकल टू एक्स भी ले सकते हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इन दोनों को लेफ्ट और इन दोनों को राइट, एक्स इजिकल टू वाई जैसे मैंने समझाया है, तो वाई इजिकल टू एक्स कैसे भी चेंज कर लो। तो क्या आ गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू वी इजिकल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, इक्वेशन नंबर आ जाएगी फोर। तो वही चीज आ गई देखो, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यहां से भी ध्यान रखेंगे टोटल इनिशियल आ गया ना, इसी तरह से एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, तो क्या लिख देंगे आप यहां से, एक चीज आप और लिख देंगे, तो क्या गए यहां से टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो क्या लिखा है देखिए, ये टोटल इनिशियल हो गया स्टार्टिंग वाला, और इसका टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम हो गया। तो अब हम यहां से क्या कह सकते, ये तो प्रूव करा था हमें, तो ये प्रूव हो गया, सो इट इज प्रूव दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, एक्सटर्नल कुछ नहीं आपस में लगा देगा ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन इट्स टोटल लीनियर
मोमेंटम रिमेंस, अब थोड़ा मिटा देता हूं मैं, तो जब भी आपको उतारना हो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। इट मींस दैट, क्या मतलब है एक लाइन और समझा देते हैं, इट मींस दैट टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो आप अच्छे से टॉपिक कीजिए, थोड़ा आपको मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि आपको अभी इक्वेशंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बाकी बहुत इजी टॉपिक है। कहीं आप बुक से देखिए, कभी आपको दो ऑब्जेक्ट्स के लिए दो ऐसा वर्ड लिखा मिल सकता है मोमेंटा, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लगे इसके अंदर। देखिए ये मोमेंटम है, देखिए जैसे हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम सिंगुलर है और ये क्या है प्लूरल है मोमेंटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मोमेंटम सिंगुलर है और ये मोमेंटम प्लूरल है, तो यहां तो टोटल लिखना है, टोटल मतलब एक यहां प्लूरल नहीं मानेंगे, तो आप दोनों को कुछ साथ में कह रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये प्लूरल टर्म यूज करनी है आपको, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का, ये कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी आप बुक से इसको देखें तो या और कोई रिफ्रेशर से आप इसको देखें तो। तो अब आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, अगले वीडियो में मैं इसकी एग्जांपल और इंडेक्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से इससे पहले वाले में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बार हमारे सारा 500 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हम वैसे उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि 10 जून तक आपको 500 चैप्टर आराम से कंप्लीट ये करवा दे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।